हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक पीओ के इंटरव्यू के बारे में। तो ग्रुप डिस्कशन के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होना है, पर्सनल इंटरव्यू। तो उसके बारे में मैं डिटेल में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा और जिस तरह से एक पॉसिबिलिटी है जो पूछा जाता है वो मैं सारा आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात के आप मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लाइक कर लो, क्योंकि मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा कुछ मटेरियल्स और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह मैं वहां पे अपडेट करता रहूंगा। तो आप वो लाइक कर लो और साथ में अगर अपने चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरे न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो देखो, सबसे पहले जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस हो सकता है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब के आपके बारे में। तो इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आपको अपना नाम बोलना है। एक्चुअली नाम शायद उनको पहले से पता होगा तो वो आपका हो गया, आप जहां से बिलोंग करते हो वो, मतलब कि आप जहां रहते हो, प्लस आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और कब आपने मतलब ग्रेजुएशन पास किया है। उसके बाद अगर एक दो साल का गैप है तो आप बाद में ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन, आप उसको भी प्रिपेयर करके रखना कि इन सालों में, इन दो सालों में आपने क्या किया या इन एक साल में आपने क्या किया, और साथ में स्ट्रांग पॉइंट बता देना। तो ये आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया। उसके बाद जो आपको करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो इसमें जो आपको प्रिपेयर करना है, आप देखो विकिपीडिया पे चले जाओगे, वहां पे आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको आईसीआईसीआई के बारे में जो बोलना स्टार्ट करना है वो करना है एस्टैब्लिशमेंट ईयर से, कब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी करंट में उनके एमडी सीईओ कौन है, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उनकी अभी रैंकिंग क्या है आईसीआईसीआई बैंक की, और नंबर ऑफ ब्रांचेस, और साथ में कोई रीसेंट अच्छी न्यूज होगी तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आपको मस्ट है कि आपको अच्छे से रीड करना ही है, क्योंकि कुछ लोगों से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना हो, सिर्फ आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में और सिर्फ आईसीआईसीआई के बारे में पूछेंगे, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आप आईसीआईसीआई का एटलीस्ट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। उसके बाद कुछ बेसिक्स बैंकिंग के क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को बता रहा हूं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन में भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ रेपो। ठीक है, मतलब रेपो का अभी करंट रेट क्या है। तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर आप लोगों को रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारे का रेट, अभी जो करंट रेट्स होते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और जहां तक डेफिनेशन की बात, ये सारे पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक उस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में है और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आएगा, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो उसे आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि उस पे मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, बैंकिंग के बेसिक्स क्वेश्चन सिर्फ मैंने उसमें बताए हैं, तो उसे भी आप लोग देख लेना और वहां से भी आप लोग वो प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज एपीआर, ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट। इसे मैं आपको बता देता हूं कि ये वो रेट होता है, जैसे आप लोग कार्ड वगैरह यूज करते हो, मतलब बैंक जो सर्विसेज आपको देती है उसके लिए जो एनुअल चार्जेस लेती है वो, उसे हम लोग एपीआर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों से, देखो हर स्टूडेंट से अलग अलग तरह का इंटरव्यू होगा, किसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी से दो चार पांच ही पूछे जाएंगे, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो है एक आईसीआईसीआई के बारे में है, दूसरा आपका जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का, मतलब आपने बीकॉम की है या बीएससी किया है या फिर बीए किया है, तो आपका जो ऑनर्स है उससे आप बेसिक्स क्वेश्चंस जो होंगे वो आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि देखो हर लोगों का अलग अलग है। तो आप लोग एक काम करना कि गूगल पे जाकर के वहां पे आप लोग सर्च कर लोगे तो बेसिक्स क्वेश्चंस आपको टॉप पे ही मिल जाएंगे कि बेसिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर बीकॉम। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शायद यहां पे बहुत लोगों को डर लग सकता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज सबको बोलते हैं, और वो ये कि आपको पता है ना कि ये सेल्स जॉब है, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपको ये जो है 100% सेल्स जॉब है, आपको डराने के लिए आपको देखते हैं कि आपका रिप्लाई क्या होता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि सेल्स से जो है वो बच्चे भागते हैं, बट ये कंप्लीट सेल्स नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। और मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी बैंकर का वीडियो अपलोड करने वाला हूं, मैं उनका इंटरव्यू देने वाला हूं, बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, जिनका मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इसी आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के थ्रू वो आईसीआईसीआई बैंक उन्होंने ज्वाइन किया,
था और काफी एक कह सकते हो अकॉर्डिंग टू मी शी इज अ परफेक्ट बैंकर। ठीक है, तो उनका मैं बहुत जल्द आप लोगों से इंट्रो करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मैं बात कर रहा था कि सेल्स बोल करके वो आपको डराएंगे कि ये 100% सेल्स जॉब आपसे हो जाएगा, तो आपको यस बोलना है। देखो अगर आपको करना है तो नो या फिर कोई क्वेश्चंस मत पूछना, बस ये बोलना यस सर आई विल डू, मुझे पता है मैं करूंगी, ठीक है, या मैं करूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि आपसे वो पूछेंगे कि आप ICICI बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो कह देना बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, अभी शायद मे भी सेकंड नंबर पे है, तो आप उसी तरह से प्रिपेयर करके कह देना, पॉइंट्स बना लेना, ठीक है। वैसे मैं अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दूंगा इसके आंसर, ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, इसके बारे में आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे आप प्रिपेयर कर लेना। वीकनेस के बारे में वो पूछेंगे तो वीकनेस में थोड़ा सा केयरफुल होकर के आपको बोलना है, वहां पे आपको वीकनेस तो बताना ही है, बट उसको इस तरह से बताना है कि वो आप उस वीकनेस पे वर्क कर रहे हो और बहुत जल्द वो वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा, तो आपको वीकनेस को थोड़ा सा केयरफुल होकर के बोलना है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपसे वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे, और वो है कि आप अपने आप को 5 साल में कहां देखना चाहते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आप बता सकते हो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं अपने आप को एक मतलब ब्रांच हेड की पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, हालांकि 5 साल में तो मुश्किल है, क्योंकि एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने के बाद ही आप 5 साल में ब्रांच हेड बन सकते हो। तो आप कह सकते हो, क्योंकि वो पूछ रहे हैं तो वो आपका देखना चाहते हैं कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, तो ब्रांच हेड तक आप बोल सकते हो कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को ब्रांच हेड के पोजिशन पे देखना चाहता हूँ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोग इंटरव्यू के बाद पूछोगे मुझसे कि सर मेरे इंटरव्यू में तो सिर्फ मेरे बारे में ही पूछा गया और कुछ नहीं पूछा, कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, मेरा इंटरव्यू आधे घंटे का हुआ था, 45 मिनट का हुआ था या 25 मिनट का हुआ था, सर मेरा इंटरव्यू तो 5 मिनट में ही खत्म हो गया। तो उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो किसका इंटरव्यू कितनी देर लेंगे। हो सकता है किसी के बारे में सिर्फ आपका पर्सनल बैकग्राउंड पूछेंगे और आप जिस प्लेस से हो, कि आपके सिटी में कोई फेमस प्लेस है आप उसके बारे में बताओ, बस इतना सा पूछ करके वो डन कर देंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उसके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे करेंगे कि टेल मी अबाउट ICICI बैंक, क्या जानते हो ICICI बैंक के बारे में और आप ICICI बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और एक दो बैंकिंग के क्वेश्चन करेंगे, बस उसके बाद बोलेंगे कि ओके थैंक यू, आपको मेल कर दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हो, तो फिर बोलेंगे कि आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा आपके रिजल्ट्स के बारे में, तो थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से होगा। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उसके बारे में पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद ICICI बैंक के बारे में पूछेंगे, उसके बाद फिर कुछ बैंकिंग क्वेश्चंस भी उससे पूछेंगे, उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी पूछेंगे, और उससे ये भी पूछेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके एजुकेशन बैकग्राउंड मतलब जो उसका ऑनर्स पेपर है उससे 2-4 क्वेश्चन वो कर सकते हैं, तो किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आप परेशान मत होना, आपसे जो पूछा जाए वो आप कॉन्फिडेंट होके आपको आंसर देना है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम यू हैव टू बी फुल कॉन्फिडेंट एंड डोंट हेजिटेट, प्लीज डोंट हेजिटेट, जो भी पूछा जाए फुल कॉन्फिडेंस के साथ दो। कोई देखो बहुत बड़ी चीज नहीं है, दो ही चीज होती है, चाहे तो पास होते हैं या फेल होते हैं, पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, फेल हो गए तो सीख लेंगे, आगे और भी है बहुत कुछ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं फेल कर जाऊंगा या अंदर से हेजिटेशन या नर्वसनेस हो रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपका आप बस ये सोचो कि मुझे अपना 100% देना है, मैं अपना 100% दूंगा या अपना 100% दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एडमिशन लेना नहीं लेना वो बात की बात है, वो अभी बाद में होगा, एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी इन दैट मेरिट लिस्ट, ठीक है, आपको मेरिट लिस्ट में आना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है मेरिट लिस्ट में आना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और जो जिस तरह से होगा इंटरव्यू अलग अलग स्टूडेंट्स का, वो सारे पॉसिबल जो हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी जो अगर और भी कुछ मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, बट जहां तक मुझे लगा वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो आप मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा आंसर्स वगैरह, और आप लोग वहाँ पे कमेंट्स कर देना, तो मैं देखूंगा जिस क्वेश्चंस पे ज़्यादा कमेंट्स मतलब सिमिलर टाइप के आएंगे मैं उसके रिगार्डिंग वहाँ पे वो अपडेट कर दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।